हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करा है सो हाय, माय नेम इज नैना। यहाँ पे वीडियोस अपलोड करती हूँ अबाउट फैशन, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। सो आज का वीडियो होने वाला है अमेजोन वेडिंग वेयर ज्वेलरी हॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट। फर्स्ट आई पिक्ड अप दिस इयररिंग सेट जिसमें आपको मांग टीका मिलता है प्लस बड़ी बड़ी सी दो इयररिंग्स मिलती हैं। मुझे बहुत दिन से लेना था, मेरे विश लिस्ट में था एंड फाइनली मैंने अपने सारे फेवरेट ज्वेलरी ले लिया है। ये देखो, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये देखिए, आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा सा वर्क है इस पे, ओवरऑल इयररिंग्स पे, प्लस नीचे आपको व्हाइट कलर के बीड्स भी दिए गए हैं। ये इयररिंग्स मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ। एज यू कैन सी, मैंने मांग टीका पहन लिया है। ये मुझे एकदम पंजाबी वाली वाइब दे रहा है और आप देख सकते हैं कितना हैवी लग रहा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मांग टीका भी पहन लेती हूँ तो भी यू नो एक प्रॉपर लुक बन जाता है, जिसको किसी भी वेडिंग फंक्शन में स्टाइल कर सकते हो, चाहे वो हल्दी हो, मेहंदी हो या फिर संगीत हो। और हम पहनते हैं अब इनकी इयररिंग्स तो और भी बढ़िया लगेगा। सो लेट्स ट्राई इट आउट। बहुत हैवी नहीं है तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि यू नो हैवी इयररिंग्स मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। कान दर्द करने लगते हैं यार इनको पहन के। सो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि प्राइस कितना है तो प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। मैं प्राइस एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गाइस इसका प्राइस आई थिंक 246 समथिंग था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप लोग ट्राई कर देख, तो आप लोग वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। सो नाउ यू कैन सी द लुक, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है। एज यू कैन सी ओवरऑल लुक मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी भी इयररिंग्स है उसमें भी यू नो आपको ऐसे सोचना पड़ सकता है कि कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, क्योंकि सभी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो फिर आप देख सकते हो। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक पहुंच सके और आप मेरी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस देख पाइए। सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इयररिंग की तरफ। तो मांग टीका लगाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे एक पिन से आप इसको सिक्योर कर सकते हो। और अभी तो नॉर्मल मैंने ऐसे पहन लिया था, बट जब भी आप वेडिंग सीजन में पहनिएगा तो यहाँ पे या फिर आप आई लैसेस ग्लू लगा लीजिएगा या फिर डबल साइड टेप आता है ना उससे आप इसको यहाँ पे चिपका सकते हो। इससे जब भी आप ऐसे डांस करोगे ना तो ये ऐसे ऐसे हिलेगा नहीं और बहुत अच्छा लगेगा। इससे डिस्टर्ब होता है जब हम डांस करते हैं, तो ये हैक आप ट्राई कर सकते हो। फ्री में मैं आपको हैक बता रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इयररिंग है पेओरा ब्रांड से। ये देखिए इनकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लग रही है। ये इयररिंग्स थोड़ा सा साउथ इंडियन टच दे रही हैं और साउथ इंडियन ज्वेलरी आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडी है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके की इयररिंग्स हैं। इसमें आपको रेड एंड ग्रीन कलर का वर्क मिल जाएगा और नीचे आपको व्हाइट कलर के बीड्स मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा वर्क है इस पे। आई थिंक ये मीनाकारी वर्क है और इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ ये कैसी लग रही है। ये ऐसी इयररिंग्स हैं कि इनको आप साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो एज वेल एज इसको आप लहंगे के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो परफेक्ट है फॉर मेहंदी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रीन एंड रेड का टच दिया गया है, दैट्स वाई। अगर आपके पास कुछ येलो कलर का प्लेन आउटफिट है तो भी उस पर आप पहन सकते हो, मतलब हल्दी में भी पहन सकते हो यार, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो गाइज आप देख सकते हो कि ये पहनने पे कितनी सुंदर लग रही है। अभी मैंने एक प्लेन सिंपल सा कुर्ता पहना है, उसके साथ भी ये बहुत अच्छी लग रही है। तो पार्टी वगैरह में तो ऑफकोर्स ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, चाहे आप साड़ी के साथ पहनो या फिर आप इसको लहंगे के साथ भी पहन सकती है। और इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। गाइज आजकल इस तरीके की जो इयररिंग्स हैं ये आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडी है, सो डू गिव इट अ ट्राई। और वन मोर थिंग जो मैं बताना चाहूंगी कि इसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप इस पे डांस कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव दिस प्रिटी ग्रीन कलर इयररिंग्स। ये देखिए कुछ इस तरीके की इयररिंग्स थी। ये यहाँ पे आपको पत्तियों की तरह डिजाइन दी गई है, ग्रीन कलर के स्टोन लगे हुए हैं
एंड नीचे आपको मीनाकारी वर्क मिल जाता है जिसपे आपको लोटस का प्रिंट दिया गया है कुछ इस तरीके का, और नीचे ये व्हाइट कलर के बीड्स लगे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। इस तरीके की इयररिंग्स आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, स्पेशली जो ग्रीन बीड्स के इयररिंग्स होते हैं इनको आप किसी भी कलर के आउटफिट के साथ पहन सकती हैं। जैसे अभी मैंने जो ये ऑरेंज कलर का आउटफिट पहना है इसके साथ अगर मैं ग्रीन कलर की इयररिंग्स पहनूं तो बहुत अच्छा लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कंट्रास्ट कलर। यू नो वॉट, आजकल जो जंप सूट होते हैं उनके साथ भी लोग इंडियन इयररिंग्स ही कैरी कर रहे हैं, थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न लुक देने के लिए पार्टी वगैरह में बहुत अच्छा लगता है अगर आप जंप सूट पहनने का ट्राई कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आप ये इयररिंग्स भी ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी। कुछ इस तरीके की लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इवन इस कुर्ते के साथ भी एकदम पार्टी वेयर लुक एड कर रही है। सो डू लेट मी नो कि आपको कैसी लग रही है। अगेन इसका भी वेट बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए आप इसमें डांस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे बहुत सुंदर लग रही है यार ग्रीन बीड्स की इयररिंग्स, और ये इयररिंग्स आप ले लोगे ना तो आप किसी भी कलर के आउटफिट के साथ पहन सकते हैं, लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये ना इयररिंग्स। एंड अगेन ये प्योरा ब्रांड से ही है, सो इस बार मैंने ये ब्लू कलर की इयररिंग्स मंगाए हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज माई फेवरेट इयररिंग्स, लेट मी शो यू। इयररिंग्स मिल जाती है, नीचे आपको ब्लू कलर की बीड्स मिल जाएंगी, ऊपर आपको स्टोन दिए गए हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के। एंड गाइज इसमें आपको दूसरे कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, रेड बीड्स वाली इयररिंग्स भी हैं और ग्रीन बीड्स वाली इयररिंग्स भी हैं, व्हाइट बीड्स वाली इयररिंग्स भी हैं, तो आपका जो मन करे आप वो ले सकते हो। लहंगे के साथ और साड़ी के साथ, सूट के साथ, किसी के भी साथ आप इसको स्टाइल करिए, बहुत अच्छा लगेगा। वेट फॉर मिनट, मैं अभी आपको इस सूट के साथ इयररिंग्स का लुक दिखा सा ज्यादा है, बट इतना भी नहीं है कि आप कैरी ना कर पाओ। हाँ लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा यू नो प्रॉब्लम हो सकती है। यू कैन सी ये पहनने पे कुछ इस तरीके की लग रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, एकदम पार्टी वेयर लुक ऐड कर रही है। इवन एक नॉर्मल सी सूट के साथ जब आप इतनी हैवी इयररिंग्स पहन लेते हो तो वेडिंग वेयर लुक ऐड हो जाता है, या फिर आप किसी भी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाओगे ये बोल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली अगर आपके यहाँ कोई पूजा है तो भी आप पहन सकते हैं, आपके यहाँ शादी है तो भी आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ी सी भारी है बट ठीक है यार, मैनेज कर लेंगे। एज यू कैन सी ये कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम से ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं पार्टी में जाने के लिए रेडी हूँ। मैंने एकदम सिंपल सा कुर्ता सेट पहना है, तो आप अगर एकदम सिंपल एंड एलिगेंट सा लुक चाहते हो ना तो आप इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो सिंपल से कुर्ता सेट को, बस साथ में आपको ये ज्वेलरी पहनना है एंड यू आर गुड टू गो। दिए गए हैं वो स्टड इयररिंग्स हैं, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के एंड बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। इसमें भी दूसरे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मरून, आई थिंक येलो भी है, पिंक भी है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, इसका भी प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइज ये आप लहंगे के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, एज वेल एज इसको आप साड़ी के साथ भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सिंपल आपको जैसे अभी हेयर स्टाइल मैंने बनाई है ना, सिंपल आप ऐसे भी रख सकते हो, एज वेल एज आप जुड़ा बंद भी बना सकते हो, इसमें पीछे गजरा भी लगा सकते हो तो और अच्छा लगेगा, बट अभी मैंने इसको एकदम सिंपल सा रखा है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ट्राई ऑन शेयर कर रही हूँ। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली। मैंने ऑर्डर करते टाइम मुझे लग रहा था ये अच्छा नहीं लगेगा, बट मैंने इसको पहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। ये ना नेक पीस इन द ब्रांड कॉल जावेरी पर्ल्स, ये देखिए, ओ आई एम रियली सॉरी यार कि यू नो व्हाट, ये नेकलेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इयररिंग्स है, तो चलो इनको भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखो मैं सबसे पहले आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, नीचे इसमें पिंक एंड व्हाइट कलर की बीड्स दी गई हैं एंड ये लुक में बहुत अच्छी लग रही हैं। इसको आप पिंक कलर की साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हो, इवन आप इसको लहंगे के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। एज यू कैन सी ये कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैंने ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना है जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसके साथ भी ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको पास से दिखा दूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ इसको आप साड़ी रहेंगे किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो आप, और मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ मुझे जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा इनका वेट। गाइस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आइटम जो कि एक ज्वेलरी सेट है, ये देखिए ये ज्वेलरी मैंने ली है
ज्वेलरी सेट इन द सेंस कि ये एक नेक पीस है इन द ब्रांड कॉल्ड आई ज्वेल्स की तरफ से, एज यू कैन सी। और इस बार मैंने ग्रीन पिंक ऐसे हट के मंगवाया है, इस बार मैंने पर्पल बीड्स ट्राई करी हैं। सो ये देखिए कुछ इस तरीके की आपको नेकलेस दी गई है। बेसिकली ये लटकन वाला नेकलेस है, आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। नीचे इसमें आपको पर्पल कलर के बीड्स मिल जाएंगे और ओवरऑल नेकलेस में बहुत ही हैवी वर्क दिया गया है एज यू कैन सी। साथ ही मुझे इसमें स्टड भी दिए गए हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी के हैं। तो चलो हम इसको ट्राई करके आते हैं। सो आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर लग रहा है और ये एक ऐसा नेकलेस है कि इसको आप साड़ी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, लहंगे के साथ भी पहन सकते हो, स्पेशली जो वी नेक वाले लहंगे रहते हैं, डीप वी नेक वाले, उनके साथ आप पहनिए बहुत अच्छा लगेगा। बट मेक श्योर कीजिएगा कि इसको आप राउंड नेक के, जिसमें छोटा राउंड नेक होता है उस नेक के साथ मत स्टाइल करो, जिस आउटफिट का छोटा राउंड नेक रहता है उसके साथ मत स्टाइल करना। तो इसका डीप वी नेक रहता है, डीप राउंड नेक रहता है तो आप स्टाइल कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। एटलीस्ट यू नो मोटिव ये है कि ये दिखना चाहिए, ठीक है, और बहुत अच्छा लगेगा। इवन अभी विंटर सीजन चल रहा है तो इसको आप हाई नेक टॉप के साथ स्टाइल कर सकते। जो स्टड मिले हैं, स्टड की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लग रही है और मुझे ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, मतलब मैंने पर्पल कभी नहीं ट्राई करा था, ऑलवेज मैं ब्लैक नॉट ब्लैक मैं ग्रीन ही ट्राई करती थी, ग्रीन या फिर पिंक या फिर रेड, बट फर्स्ट टाइम मैंने पर्पल ट्राई करा है एंड आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद दिस नेकलेस। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ट्रेंडी पीस है, तो आप लोग को भी चेकआउट करना है। वी हैव दिस ब्यूटिफुल येलो कलर इयर रिंग्स इन द ब्रांड कॉल्ड जावेरी पर्ल्स, अगेन ये जावेरी पर्ल्स की तरफ से है। इसकी भी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है, परफेक्ट है फॉर हल्दी फंक्शन और मेहंदी में भी आप स्टाइल कर सकते हो, यू नो ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके की इयररिंग्स दी गई हैं, ये देखिए झुमका काइंड ऑफ इयररिंग्स है, इनकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है और बहुत लाइट वेट है, बहुत भारी भी नहीं है, इसमें दूसरे कलर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। नीचे ये जो व्हाइट कलर की बीड्स लगी हुई हैं ये मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, तो आप देख सकते हो कि ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज का हॉल वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, बाय।